जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वंडर वॉल्स फोर्स की और साथ में हम बात करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है फर्स्ट, दैट मीन्स अगर हम बात करें तो वंडर वॉल्स फोर्स थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है डिस्पर्सन फोर्स, सेकंड आपका होता है डाइपोल फोर्स और थर्ड आपका होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्पर्सन फोर्सेस, दैट मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच डिस्पर्सन फोर्स की मीनिंग क्या होती है। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं जो डिस्पर्सन फोर्स है आपका उसका एक नेम और दिया गया है। हम लोग उसको किस नेम से जानते हैं, लंडन फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, लंडन फोर्सेस राइट करेंगे। अब भाई क्यों लंडन फोर्सेस हम राइट कर रहे हैं, क्या ऐसी रिक्वायरमेंट है? बिकॉज अगर हम बात करें कि जो हमारा डिस्पर्सन फोर्स है इसकी सबसे पहले स्टडी किसने इसके बारे में बताया था, तो जो बताने वाले साइंटिस्ट हैं, आइए हम बात करते हैं किसने बताया है। जर्मन फिजिक्स, दैट मीन्स जर्मन फिजिक्स कौन है आपके, फ्रिज लंडन। ये बता रहे हैं हमें किसके बारे में, ये हम बता रहे हैं डिस्पर्सन फोर्स के बारे में। तो चलिए समझते हैं जो हमारा डिस्पर्सन फोर्स है, ठीक है, जो हमारा डिस्पर्सन फोर्स है और किस टाइप्स के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो हमारा वंडर वॉल्स फोर्सेस होता है ये आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बताता है। तो हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिस मॉलिक्यूल्स में आपका डिस्पर्सन फोर्स पाया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि किस टाइप्स की हमारे पास एटम्स होंगे या किस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। डेफिनेशन आप थोड़ी सी देख लीजिए, दीज आर द इंटर पार्टिकल फोर्सेस एमंग द मोनोएटॉमिक एटम्स। ऐसे हम एटम्स की बात करें जो हमारे फ्री स्टेट में रहते हैं, मोनोएटॉमिक और आपके क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, H2 है, O2 है, CO2 है, etc. दैट मींस अगर हम बात करेंगे कि डिस्पर्सन फोर्स हमारा कहां पर प्रेजेंट्स होगा या लंडन फोर्स हमारा कहां पर प्रेजेंट्स होगा, तो आपको माइंड में रखना है कि आपके पास क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे मॉलिक्यूल्स है, हाँ आपके पास ये भी हो सकता है, CH4 हो सकता है, SiH4 हो सकता है। दैट मींस यहां पर जहां पर आपको डाइपोल मोमेंट ना दिखे, जो हमारे कोवेलेंटेड बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे कैसे फोर्स शो करने वाले हैं, डिस्पर्सन फोर्स को शो करने वाले हैं। तो सबसे ये तो मीनिंग आपकी हो गई। अब हमें ये समझना है कि इसको हम लोग डिस्पर्सन फोर्स क्यों बोलते हैं और इनके बीच अट्रैक्शन कैसे होगा। तो चलिए सिंपल से हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंट एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर हम किसकी बात करें, हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। तो बेसिकली जो आपके पास एटम है या आपके पास क्या है, एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर मैं आपसे बात करूं ये कैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है, जिन मॉलिक्यूल की हम बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। कैसे होते हैं ये लोग, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। इसकी मीनिंग ये होगी कि दैट मीन्स अगर हम इस मॉलिक्यूल्स को, जैसे हमारे पास H2 है, इसको हम ऐसे राइट करते हैं तो ना तो यहाँ पर हमें कोई डाइपोल का मतलब क्या है, हम दैट मीन्स डाइपोल मीनिंग समझ लीजिए आप, डाइपोल की अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो डाई मीन्स क्या होता है, टू, और पोल आपका हो गया टू पोल। अब भाई टू पोल होते कौन है, एक आपका पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है आपका निगेटिव होता है। दैट मीन्स ये हमारे क्या हो गए, टू पोल्स हो गए। अब मीनिंग ये समझनी है कि जहां पे हमारा डिस्पर्सन फोर्स की हम बात कर रहे हैं वहां पर आपका डाइपोल नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डाइपोल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स कोई आपका आयनिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए, ऐसे वही कंपाउंड हमारे क्या शो करेंगे, डिस्पर्सन फोर्स को शो करेंगे। अभी मैंने बोला हमारा CH4 भी हो सकता है, SiH4 हो सकता है, GH4 हो सकता है, जितने भी हमारे कोवेलेंटेड बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या शो करेंगे, डिस्पर्सन फोर्स शो करेंगे।
अब यहां पर मैंने ये बोला कि जो आपके एटम्स हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं वो आपके कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। अब मीनिंग यहाँ पर ये है, इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ना तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव आएगा ना तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, दैट मीन्स ना तो पॉजिटिव है और ना तो निगेटिव है। अगर हम इसका सिंपल बेस बनाएं तो एक हमारा ऐसे मॉलिक्यूल्स बन जाएगा जहाँ पर हम ये समझेंगे कि हमारा बीच में क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो आइए जो मीनिंग होती है डिस्पर्शन की उसकी हम बात करते हैं, क्यों इसको हम डिस्पर्शन फोर्स कह रहे हैं और एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। तो आपको कुछ एग्जांपल अपने माइंड में रखने होंगे कि चाहे आप CH4 की बात करना या CH4 की बात करना, N2 की बात करना, H2O2 CO2 किसी की बात करना, जो कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं है। चलिए तो देन यहाँ पर हम कुछ फिगर से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एटम्स है, मान लीजिए हमारे पास ये ए है और आपका ये दूसरा एटम्स क्या है, बी है। तो ये आपका ए और ये आपका बी, चलिए यहाँ पे राइट करते हैं। आप जानते हैं सिंपल क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पर बीच में आपका न्यूक्लियस है जो भी एटम्स है और इसके अराउंड, या मॉलिक्यूल्स की बात कर ले, इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ये भी आपका क्या है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। और जो हमारा दूसरा बी है अगर इसको भी मैं देखूं तो आपका कैसा है, न्यूट्रल है। तो बेसिकली यहाँ पर साइज आपको थोड़ा सा नहीं देखना है कि साइज कैसे बनी हुई है। अगर हम बेसिकली देखें जो हमारे पास ए और बी हैं अगर इनकी मैं बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे लिख सकते हैं सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट मीन्स यहां पर जो आपके पास क्या है, एटम्स हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये आपका कैसे है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। दैट मीन्स यहां पर ऐसे हम कह सकते हैं नो डाइपोल मोमेंट, यहां पर कोई भी आपका डायपोल मोमेंट नहीं है, कहीं पर हमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, ना तो परमानेंट दिख रहा है और ना तो हमारा क्या दिख रहा है, दैट मीन्स टेम्पोररी दिख रहा है। ये मान लीजिए फिगर आपका ए है। बस इन केस अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इस बात को समझना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर है कि क्यों किस टाइप से फोर्स आपका एराइज हो रहा है। बेसिकली जो आपका ये ए है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं। मे भी एक ऐसी कंडीशंस आ सकती है जिसको हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये आपका राउंड कर रहा है और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, कुछ जो हमें फिगर देखने को मिले कुछ ऐसे आपको मिले कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो वन साइड आ जाए और जो यहाँ पर प्लस है ये ऐसे हो जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ये हमारा अच्छा ए हो गया और दूसरा हम लोग बना रहे हैं बी, दूसरा हमारे पास क्या है बी, बस और लार्ज साइज करते हैं, यहां पर भी पॉजिटिव हो गया आपका और ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका एटम्स भी हो गया। तो ये आपका फिगर आप ए था, इसको हम स्मॉल बी कर रहे हैं और स्मॉल सी आपको बना रहे हैं कि दैट मींस ये भी पॉसिबिलिटीज यहां पर पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एक ही पॉसिबिलिटीज की हम बात करेंगे। यहां पर आपका पॉजिटिव है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है और ये आपका ए एटम्स और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स है आपके पूरे और ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। और इस फिगर की अगर हम बात करें सी फिगर, तो ए में आप क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका क्या है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। बट यहां पर अगर हम बात करें जो आपके पास बी, जो ये फिगर आपका बी है और जो आपके पास फिगर सी है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है,
दैट मीन्स परमानेंट डायपोल की हम बात नहीं कर रहे हैं, बट आप देखिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक टेम्प्रोरी डायपोल जनरेट हो रहा है। और साथ में हम ये बात करेंगे जो हम डिस्पर्सन की बात करें। देखिए डिस्पर्सन की मीनिंग यहाँ पर आपको ये समझनी है, अभी ये आपके ऐसे डिस्पर्स थे, जो फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के डिस्पर्सन से हो रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कुछ ऐसे था, बट अभी इनका डिस्पर्सन हमें ऐसे देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं, यहाँ पर आपका पॉजिटिव वाला ग्रेटर है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर ग्रेटर है और जब यहाँ पर पॉजिटिव वाला है, तो इनके बीच क्या होने लगेगा, एक फोर्स वर्क करने लगेगा। इनके बीच क्या करेगा, एक फोर्स वर्क करेगा। या दूसरे ऐसे स्ट्रक्चर में हम देख लें, यहां पर भी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है और ये आपका पॉजिटिव है, इनके बीच क्या होने लगेगा, एक फोर्स आने लगेगा। यही जो आपका फोर्स दिख रहा है, जो फोर्स लग रहा है, इसी को हम लोग तो क्या कह रहे हैं, डिस्पर्सन फोर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डिस्पर्सन फोर्स कह रहे हैं। ये आपका डिस्पर्सन फोर्स है, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो। तो टोटल अगर हम बात करेंगे, जो डिस्पर्सन फोर्स आपका एराइज हो रहा है, ये एराइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन से। कैसे, दैट मीन्स हो सकता है हमारा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट ऐसी भी सिचुएशन, दैट मीन्स वो आपका रोटेट कर रहा है, ऐसी भी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। और जब ऐसी सिचुएशन मिलती है तो आपको इस टाइप्स के फिगर मिलेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव इधर आया है, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, आप जानते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर पॉजिटिव, तो एक सिंपल अट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। और इसी फोर्स को क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि जो आपका डाइपोल होगा वो कैसा होगा, टेम्प्रोरी होगा, टेम्प्रोरी होगा, ठीक है, कि दैट मीन्स टेम्प्रोरी डाइपोल होगा, और आपका क्या हो जाएगा, बीच में फोर्स आ जाएगा। तो मीनिंग यही समझनी कि बीच में हमारा फोर्स आ जा रहा है, और डिस्पर्सन फोर्स है, क्यों, क्योंकि इसके मोशन से, इसके डिस्पर्सन से हमें ये पिक्चर देखने को मिल रही है। अब बेसिकली ये हमारा जो फोर्स होता है ये किस पे वर्क करता है, तो देखिए जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके बीच की डिस्टेंस 500 PM तक है, दैट मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 500 PM तक है, तब तो ये आपका वर्क करेगा, ठीक है, इक्वल इक्वल टू 5 PM। बट अगर इससे ज्यादा आप करते हैं, ठीक है, इससे ज्यादा डिस्टेंस अगर होती है तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। पीएम आप समझते हैं, पीकोमीटर, ये आपका क्या है, पीकोमीटर है। अगर आपका क्या है 500 PM से लेस है या इक्वल है, तो उस टाइम ये आपका वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क करने वाला नहीं है। फिर आपका जो फोर्स हो जाएगा, दैट मीन्स उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हम कह सकते हैं। दैट मीन्स 100% तो जीरो नहीं कहा जा सकता, बट हम ये कह सकते हैं कि जितने भी टाइप्स के वंडरवाल फोर्स हैं, सबसे पहले तो मानो डिस्पर्सन फोर्स उसमें आपका सबसे वीक है, और उसमें भी अगर हम बात करेंगे तो वीकेस्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस आपको ध्यान में रखना है कि जब मॉलिक्यूल्स क्लोज रहेंगे तभी ये फोर्स आपका वर्क करेगा, अदरवाइज ये वर्क करने वाला नहीं है। आइए कुछ अदर प्रॉपर्टीज की बात करें जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्पर्सन फोर्स को लेकर। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म है हम बात करने चल रहे हैं कि जो डिस्पर्सन फोर्स है आपका किस पे डिपेंड होता है। जैसे अगर हम बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस इंक्रीजेस इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन, तो हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो वैल्यू होती है डिस्पर्सन फोर्स की वो किस पर डिपेंड होती है। सीधी सीधी हम बात कर रहे हैं, वो जो वैल्यू है किस पर डिपेंड होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम बेस बनाकर चलेंगे, मॉलिकुलर साइज किस पर डिपेंड होगी, मॉलिकुलर साइज पर डिपेंड होगी। दैट मीन्स अगर आपका मॉलिकुलर साइज ग्रेटर है तो डिस्पर्सन फोर्सेस भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, या हम मोलर मास कह सकते हैं या हम पोलराइजिंग पावर कह सकते हैं। तो यहां पर आपको एक सिंपल फार्मूला हम बात कर रहे हैं कि अगर पोलराइजिंग पावर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डिस्पर्सन फोर्स के, किसके हो जाएगा,
डिस्पर्सन फोर्स के हो जाएगा। दैट मीन्स अगर जो भी आपके पास मॉलिक्यूल्स है, जो भी आपके पास एटम्स है, उसकी पोलराइजिंग पावर ग्रेटर है, तो वहां पर डिस्पर्सन फोर्स भी आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये जोड़ते हैं कि जो पोलराइजिंग पावर है वो आपकी किस पे डिपेंड होती है। यहाँ पर एक अलग देख लीजिए, पोलराइजिंग पावर जो है आपकी किस पे डिपेंड होती है, तो हम राइट कर सकते हैं जो पोलराइजिंग पावर है वो किस पे डिपेंड होती है, मॉलिक्यूलर साइज पे। किस पे डिपेंड होती है, मॉलिक्यूलर साइज पे। दैट मीन्स अगर आपका मॉलिक्यूलर साइज ग्रेटर है तो पोलराइजिंग पावर भी आपकी क्या होगी, ग्रेटर होगी। आपका मतलब यहां पर एटम और मॉलिक्यूल से है, तो इट मींस अगर हमारा मॉलिक्यूलर साइज ग्रेटर है तो पोलराइजिंग पावर ग्रेटर होगी, और पोलराइजिंग पावर ग्रेटर है तो हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स हमारा ग्रेटर होगा। इसलिए हम सीधा ये भी कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर साइज हमारी ग्रेटर है तो दैट मींस डिस्पर्सन फोर्स भी ग्रेटर है। चलिए दूसरी हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बातें आप समझिए ना कि अगर हम बात करेंगे मोलर मास की, यहाँ पर जो हमारा अलग टर्म है मोलर मास, भाई जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर होगा तो 100% है, आप जानते हैं। हम ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जो जो आपका कैसा है, न्यूट्रल है, नॉन पोलर है। दैट मींस एक्चुअल में वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपका बढ़ता चला गया तो मोलर मास आपका इंक्रीज होता चला जाएगा, और मोलर मास इंक्रीज हो रहा है दैट मींस आपकी साइज भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं। अगला हमारा है सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जो आपका मॉलिक्यूल्स है, आप सोचिए कि अगर हमारे पास बहुत ही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल्स है उसकी साइज कुछ ऐसे ही है, तो ये आप मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। आप जब इसको क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव 12 है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली हम देखेंगे इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है दूसरा आके बहुत तेजी से क्या करे, अट्रैक्ट कर सके। तो इट मीन्स अगर सरफेस एरिया हमारी ग्रेटर होगी, यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें सरफेस एरिया ग्रेटर है, तो दैट मीन्स इनके डिस्पर्सन की जो चांसेस होंगे वो ग्रेटर होंगे, और जब डिस्पर्सन के चांसेस ग्रेटर होंगे तो दैट मीन्स यहाँ पर डिस्पर्सन फोर्स भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आपको अपने माइंड में रखना है कि जो हमारा डिस्पर्सन फोर्स होता है किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज पे, मोलर मास पे और पोलराइजिंग पावर पे। पोलराइजिंग पावर आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्पर्सन फोर्स के, और ये आपका मॉलिक्यूलर साइज भी अगर हम बात करें तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर के। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। तो हमें साइज के बेस पे देखना है। अब आप बोलेंगे कि दैट मीन्स ये तो बातें हो गई हमारी जो भी कॉन्सेप्ट बेस पे थी, क्या हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि हम इस बातों को बता सकते हैं, इस बातों को हम समझा सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूलर साइज हमारी हायर हो रही है, मोलर मास हमारा ग्रेटर हो रहा है, तो क्या हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। यस, यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास वो कौन सा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो आइए हम बात करते हैं, जैसे आपके पास कुछ डिफरेंट गैस की हम बात कर लें। यहाँ पर देखिए हमारे पास है CH4, SiH4, GH4। चलिए मैं अगर आपसे बात करूं, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म में अगर मैं ले लूं और इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लूं, इनकी मैं बात करूंगा बॉइलिंग पॉइंट की बात करूंगा कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 112 के, क्या होता है, 112 के होता है। उसके बाद अगर हम इनकी बात करते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है SiH4 का, ये आपका होता है 161 के, और जो आपका GeH4 का होता है वो होता है 183 के। अब देखेंगे यहां पर आपको देखने को ये मिलेगा कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम मूव कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर अगर हम साइज देखें तो इसकी साइज भी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज जो यहाँ पर हमारा मेन एलिमेंट है ये किस फैमिली से है, कार्बन फैमिली से। तो आप देखेंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो इनकी साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब साइज इंक्रीज हो रही है तो देखिए यहाँ पर पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ में हम बात करेंगे डिस्पर्सन फोर्स, इनके बीच लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। और जब फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो दैट मीन्स अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टेम्परेचर भी तो हमें ग्रेटर लगेगा,
टेम्परेचर भी तो हमें हाई लगेगा जब क्या फोर्स इंक्रीज हो रहा है। अगर फोर्स आपका डिक्रीज होता तो ये क्या हो जाता, लोअर हो जाता। दैट मीन्स यहाँ पर हम लिखते 180 लिखते या 100, ये आपका 12 है तो इसको इससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए था। कब, जब इसके बीच में लगने वाला डिस्पर्सन फोर्स हमारा डाउन होता, दैट मीन्स लेस होता। अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चल रहा है। अब इंक्रीज होता चल रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होगा। ऐसे अगर सिंपल एक एग्जाम्पल्स की मैं और बात करता हूँ, आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपके पास जो इनर्ट गैसें हैं, इनर्ट गैसें अगर आप देखेंगे, हीलियम से लेकर हीलियम नियान क्रिप्टन, सॉरी हीलियम नियान के बाद आपका आर्गन आता है, आर्गन क्रिप्टन रेडॉन ज़ेनॉन, ठीक है। ऐसे जब देखेंगे तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे टॉप टू बॉटम चलेंगे, इनका भी बॉइलिंग पॉइंट आपको क्या देखने को मिलेगा, दैट मीन्स वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे एप्लीकेशंस है, ये डिस्पर्सन फोर्स पढ़ने की मीनिंग ही है कि हम मॉलिक्यूल्स को देखें और अगर उससे मुझे कंपेयर करना हो तो हम बता सकें उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है इस डिस्पर्सन फोर्स का, दैट मीन्स कि इसके वर्क से क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा डिस्पर्सन फोर्स क्या होता है, किस टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पे अप्लीकेबल होता है और इसका अप्लीकेशन क्या है। तो देन आप मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।